अरे कूद जाओ मैडम, कैमरा चालू है, कूद जाओ, गिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा देखा जाएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन शुक्ला ब्लॉग्स। अभी मैं मौजूद हूं पानीपत के प्राचीन देवीलाल पार्क में। जी हां, प्राचीन इसलिए कह रहा हूं कि पानीपत में इकलौता यही एक पार्क है जहां पर अगर आप कभी भी पानीपत घूमने आते हो तो यहां पर आ सकते हो। कोई यहां पर मतलब यहां पर कुछ भी जो मन में आए आपको, खेलना कूदना घूमना फिरना, वो हर चीज़ यहां पर कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। और पार्कों की बात की जाए, जैसे अगर आप दिल्ली में जाते हो तो वहां पर जैसे आप घूमने फिरने जाते हो तो कई पार्कों में एंट्री नहीं भी होती है। जैसे यहाँ आप कपल के साथ भी घूमने आ सकते हो, ये फायदा है। और दिल्ली में कई पार्क ऐसे हैं जहाँ पर कपल के साथ एंट्री ही नहीं होती है भाई, तो यहाँ पर वो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ पर देख रहे हो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आपको देखने को मिलेगी। ये जो ब्लॉग है रूटीन ब्लॉग है, कुछ खास नहीं है आज। और देखिए यहाँ पर मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, शाम के समय यहाँ पर बच्चे हैं जो खेलने आते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वो भी यहाँ पर जो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आ सकता है खेल सकता है। और इधर वॉलीबॉल भी कुछ बच्चे खेलते हैं। चलो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि और क्या क्या चीज़ है यहाँ पर। और अगर आप कोई शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हो, कोई छोटा सॉन्ग बनाना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पर आके बना सकते हो। देखो यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं और शाम का समय है। जैसा आप सबको पता ही है कि अब मौसम भी चेंज होता जा रहा है, तो अभी आज ठंड भी है यहाँ पर, ठंड लग रहा है। और यहाँ पर फुटबॉल का मैच जो चल रहा है, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, देखिए कुछ भाई जो यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं। और अभी मैं आपको आगे भी ले चलूँगा, दिखाऊँ तो बहुत बड़ा है देवीलाल पार्क। देखिए वो यहाँ का मेन गुंबद है, वहाँ पर जो ताऊ देवीलाल हैं उनकी स्मृति बनाई हुई है, जो उनका एक पुतला है आगे एंट्री पर ही आपको मिलेगा। और यहाँ पर रोजाना लोग घूमने फिरने आते हैं, प्रैक्टिस करने आते हैं, कुछ लोग यहाँ पर जॉगिंग करने भी आते हैं। और देखिए इसी प्रकार लोग यहाँ पर रोज़ घूमने फिरने आते हैं, कुछ लोग जो आर्मी वगैरह की भर्ती की तैयारी करते हैं वो भी यहाँ पर शाम को रनिंग के लिए आते हैं। और यहाँ पर बच्चों के लिए भी व्यवस्था है, अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पर आ रहे तो पिकनिक मनाने भी आप आ सकते हो। यहाँ पर जो देवीलाल पार्क है, यहाँ पर आप पिकनिक भी मना सकते हो आकर। और देखो यहाँ पर जो अगर आप बच्चों को अपनी पूरी फैमिली के साथ आते हो तो उनके लिए भी व्यवस्था है यहाँ पर। जो आप मेरे पीछे झूले देख पा रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर ये झूले बने हुए हैं, इसमें आकर आप घूम फिर सकते हो। पर अगर मैं दूर दिखाऊं तो वहाँ पर जो राहुल तिवारी है वो आज फोटोग्राफी कर रहे हैं, एक कपल है उनका, तो मैं भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि शायद वो डिस्टर्ब हो जाएं। तो देखिए देवीलाल पार्क कितना खूबसूरत है, ये पूरा सीनरी है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और लोग भी यहाँ पर जो अपने बच्चे होते हैं उन्हें लेकर यहाँ पर घूमने आते हैं शाम के समय। देखिए यहाँ पर जैसे कि आंटी हैं अपने बच्चों के लेकर यहाँ पर आई हैं घूमने, और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं यहाँ पर आकर, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जो भी कोई आता है शाम के समय आप यहाँ पर आके घूम फिर सकते हो। और ये पूरा आप बैकग्राउंड देख पा रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ये देखिए जो ये हरे पौधे हैं, इनमें फूल ही आपको दिख रहा है सफ़ेद, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं एक बार फिर से दिखाऊं, देखिए वहाँ पर बहुत दूर आप देख पा रहे होंगे फोटो शूट चल रहा है तिवारी जी का। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग जो रूटीन ब्लॉग था, कुछ खास नहीं था, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।